मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों और ये वीडियो देखने वालों को नमस्कार। जब यह सारी चाइनीज वायरस वाली परेशानी उलझन शुरू हुई थी तो मैंने एक सुझाव दिया था, और उस वक्त इसमें कोई इसलिए नहीं कि कोई क्रेडिट लेना है, क्रेडिट लेने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन उस सुझाव को मैंने बहुत गंभीरता पूर्वक दिया था। और वो सुझाव ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपील करनी चाहिए, प्रधानमंत्री राहत कोष में एक डेडिकेटेड फंड बनाया जाना चाहिए। वो डेडिकेटेड फंड सिर्फ इसी चाइनीज वायरस से निपटने के लिए हो, उसके लिए धन इकट्ठा किया जाए। मेरा ये भी मानना था कि उसमें जो राज्य सरकारें हैं, केंद्र की जो सरकार है, जितनी एजेंसियां हैं, उन सबको एक अपना बजट बनाना चाहिए और उस बजट के आधार पर देखना चाहिए कि कितनी रकम चाहिए, एक अनुमानित रकम इस चाइनीज वायरस से की लड़ाई से निपटने में, और उसके बाद उसको अलग अलग वर्गों को जिनको जरूरत है, जिनको जो 1,70,000 करोड़ के पैकेज में आ गए, जिनको ईएमआई छोड़ दी गई या जो एमएसएमई के लिए अभी जरूरत होगी, उन सबको उसमें से रकम एक एक करके दी जाए। मैंने कोई उसका नाम नहीं दिया था, लेकिन उसका जब स्वरूप सामने आया तो वो पीएम केयर्स फंड के तौर पर आया, और पीएम केयर्स फंड इसके लिए लाया गया। हम लोगों ने सबने और लगातार हमने कहा, और मैंने जब प्रधानमंत्री जी को ये सुझाव दिया था तो उससे पहले खुद प्रधानमंत्री राहत कोष में 10,000 रुपए जमा कराए थे। ऐसा सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ खाली सलाह देना, सलाह भर नहीं दिया था, मैंने 10,000 रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कराए थे, जो किसी भी राष्ट्रीय आपदा से के समय राहत के लिए सरकार जिसका इस्तेमाल करती है। हालांकि उसके बाद प्रधानमंत्री ने पीएम केयर्स बनाया, डेडिकेटेड फंड है, देश भर से लोगों ने उसमें रकम डाली। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप सबको उसमें रकम डालनी चाहिए। लेकिन आज मैं एक और निवेदन प्रधानमंत्री जी से करूंगा, और वो निवेदन ये है कि अब देश को ये पता भी चलना चाहिए कि पीएम केयर्स फंड का प्रयोग कैसे किया जा रहा है। देश को यह भी पता चलना चाहिए कि पीएम केयर्स फंड में कितनी रकम आ गई है, कितनी जरूरत थी, कितनी रकम आ गई है, और फिर उसका इस्तेमाल, उसका प्रयोग, उसका उपयोग वो केंद्र सरकार किस तरह से कर रही है। यह सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि उसको हम आप जान जाएं, ये दरअसल देश के उन लोगों के लिए, और मैं जब वो खबरें पढ़ रहा था कि पीएम केयर्स में किस किस तरह के लोगों ने दान किया, किस किस तरह के लोगों ने आर्थिक सहायता दी, दरअसल ये देश के तौर पर एकजुट होने के लिए जो ताकत मिली है, जो भरोसा नरेंद्र मोदी में है, उसके लिए भी जरूरी है कि पारदर्शी तरीके से पीएम केयर्स का पूरा हिसाब जो है वो दे दिया जाए। ये बेहद जरूरी है कि पारदर्शी तरीके से पीएम केयर्स का पूरा हिसाब लोगों के सामने दिया जाए, और ये हिसाब को इसलिए नहीं, सफाई देने के लिए नहीं, कोई अविश्वास जैसी बात नहीं है इसमें, लेकिन निश्चित तौर पर देश को यह पता होना चाहिए कि जो रकम उन्होंने दी वो कितनी रकम हो गई है, कितनी रकम और चाहिए। मैं तो कहता हूं बाकायदा क्यों नहीं बजट वाली कमेटी, जो COVID-19 इकोनॉमिक टास्क फोर्स है, इसी काम पर लग जाती कि बजट बनाकर वो देश को बता दे और जितनी कमी हो उसको देश की जनता उसमें पूरा कर देगी, और उसके साथ ही जो राज्य सरकारें हैं वो राज्य सरकारें भी अपना अपना बजट बनाए। और अच्छी बात यह है कि राज्य सरकारों के जो मुख्यमंत्री राहत कोष है उसमें भी जनता खूब रकम डाल रही है, तो वो भी अपने लिए वो इंतजाम कर सकते हैं। और अभी मैंने चूंकि और किसी का देखा नहीं है, और किसी ने अगर किया हो तो आप मुझे बताइएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उन्होंने एक अच्छा काम किया है, पारदर्शिता दिखाई है, उन्होंने बताया कि 24 मार्च से 7 अप्रैल के बीच जो मुख्यमंत्री राहत कोष है उसमें 56,38,815 रुपए की रकम जमा हो गई है। उसमें से 10,25,30,000 ये जिलों को दे दिया गया है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। मुझे लगता है
कि देश का जो एक कहें कि भरोसा है वो पीएम केयर्स फंड में जिस तरह से रकम लोगों ने दी है और जिस तरह से साथ खड़े हुए हैं उसके लिए बेहद जरूरी है कि पीएम केयर्स फंड की पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाए, पारदर्शिता के साथ बताया जाए कि कितनी रकम इकट्ठा हुई, उसका क्या उपयोग किया जा रहा है और आगे कितनी रकम की जरूरत पड़ेगी। ये बेहद जरूरी है। तो जैसे मैंने अपील किया था, निवेदन किया था, सुझाव दिया था कि एक डेडिकेटेड फंड बनना चाहिए, वैसे ही आज मैं कह रहा हूं कि उस डेडिकेटेड फंड की पूरी जानकारी देश के हर व्यक्ति को होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।